तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले सुजुकी की जिक्सर 250, जैसे कि आपको पता है 20 मई को लॉन्च होने वाली है। सुजुकी की तरफ से दो बाइक्स जो कि जिक्सर 250 होने वाली है और जिक्सर SF150, उसका भी नया मॉडल आने वाला है। तो दोनों ही बाइक्स लॉन्च होने वाले, दोनों ही बाइक्स फुल फेयरिंग होने वाले हैं। आपको पता है जिक्सर SF तो फुल फेयरिंग थी, लेकिन जो जिक्सर 250 है वो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि ये नेकेड होने वाली है। मैं भी नेकेड ही सोच रहा था, लेकिन जब इसकी डिटेल्स लीक हुई तो पता चला कि इसमें फुल फेयरिंग होने वाली है बाइक। तो फुल फेयरिंग में भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यार बाइक, काफ़ी अच्छी फुल फेयरिंग की गई है बाइक की। तो ये नहीं है कि बेकार लग रही 250cc में, 250cc की जितनी भी बाइक्स है फुल फेयरिंग वाली तो उनसे काफ़ी अच्छी लग रही है। और साइज में ऐसी लग रही है जैसे कि कोई सुपर बाइक हो, तो ऐसा इसका लुक लग रहा है साइड से। बाकी फ्रंट वगैरह कोई भी फोटो हमारे पास नहीं है, बाकी फ्रंट वगैरह मेरे को लगता है सेम होने वाला है जो आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जिक्सर 250 आती है, जो जिक्सर 250 आती है, तो उस जैसी होने वाली है लगभग। बाकी जो इसकी डिटेल वगैरह लीक हुई है तो वो मैं आपको बता दूँ। इस बाइक में आपको इंजन मिलने वाला 249cc का, आपको पता है पहले से ही पता था, लेकिन पावर वगैरह में हम लोग कन्फ्यूज थे, नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अब जो लीक हो गई इसकी सारी डिटेल तो मैं आपको बता दूँ, 26.5 bhp की पावर मिलती है जो कि कोई भी बाइक नहीं देती। इतनी पावर 250cc में कोई भी बाइक इतना ऑफर नहीं करती, इतनी पावर और टॉर्क। जैसे कि आपको पता है FG25 वो भी 20 bhp से नीचे ही देती, उससे ज़्यादा नहीं देती। तो इसका जो टॉर्क है वो है 22.6 Nm का टॉर्क है बाइक में। FI मिलने वाला है, कार्बोरेटर नहीं मिलने वाला, 6-speed गेयरबॉक्स मिलने वाला है, मैनुअल गेयरबॉक्स होने वाला है, ऑयल कूल्ड होने वाला है बाइक में, लिक्विड कूल्ड वगैरह नहीं होने वाला, क्योंकि हम पहले बता रहे थे कि लिक्विड कूल्ड, बट अब लीक हो चुकी तो अब पता चल गया सारी डिटेल। तो ऑयल कूल्ड होने वाला है बाइक में। तो ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग में आपको बाइक में ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में आपको वही टेलीस्कोपिक मिलने वाला है, लेकिन USD वगैरह नहीं मिलने वाले, जैसे कि पहले मैं बता रहा था आपको कि USD मिलने वाला है, लेकिन USD नहीं मिलने वाला, सॉरी, इसमें टेलीस्कोपिक ही देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट में प्राइस कटिंग पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्राइस कटिंग के लिए इतने ये छोटे मोटे चेंजेस करने जरूरी होते, क्योंकि USD लगाती तो शायद लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ते आपको, तो उसी वजह से यार टेलीस्कोपिक वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन रोड से टेलीस्कोपिक ही कामयाब है, USD नहीं है। USD होते हैं ट्रैक वगैरह के लिए, तो ट्रैक वगैरह में USD अच्छे है, लेकिन यदि आपको इंडियन रोड पर राइड करनी है तो वहाँ पर टेलीस्कोपिक ही काम आएंगे अच्छे से। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, फ्रंट में रियर में आपको स्विंग आर्म मिलता है आपको R15 V3 की तरह, बाकी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं रियर में। तो प्राइस की बात करूँ तो यार प्राइस अभी तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है 1.60 lakhs के अंडर होने वाली है बाइक। बाकी देखते हैं 20 मई को लॉन्च होगी तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूंगा जैसे बाइक लॉन्च होती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी बाइक्स लॉन्च होने वाली 20 मई को इंडिया में, इंडियन मार्केट में, तो बाकी सारी डिटेल आपको बता दूंगा मैं। तो बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, बाकी आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप सब कुछ एक बार पॉज करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि इतनी सारी यदि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो शायद आप भी बोर हो जाएं और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो बाइक में आपको LED हेडलाइट वगैरह मिलती है। तो गाइस यही था कुछ आज की वीडियो में। तो यदि कोई आपके डाउट्स वगैरह तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यदि यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, MRD Vlogs के नाम से मेरा यूजर हैंडल, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप मेरे को DM करो, आपको जल्दी से रिप्लाई मिलेगा। तो गाइस यही था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।